بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین یا رب العالمین السلام علیکم اسٹوڈینٹس آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ اینڈ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف ٹو ٹوڈیز ڈیٹ از 9 سپٹمبر اینڈ دا ڈے از وینسڈے اسٹوڈینٹس آؤٹ کمز از اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو لسٹ دا ڈفرنٹ فارمس آف انرجی ود ایگزامپلس ناؤ کم ٹوورڈز اور ٹاپک اور ٹوڈیز ٹاپک از 6.4 دیٹ از فارمس آف انرجی Different forms of energy is used in our daily life, that is mechanical energy, electrical energy, light energy, nuclear energy, chemical energy, sound and heat energy. First we discuss mechanical energy. Mechanical energy mein kinetic energy and potential energy maine aapko pehle previous topic mein discuss kiya tha ki kinetic energy due to motion and potential energy due to height hoti hai aur jab ye dono work perform karti hain एक ही टाइम पे तो उसको हम कहते हैं डैट इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी नेक्स्ट है हीट एनर्जी हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज़ ये हमारे पास क्या होती है अपने टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हीट प्रोवाइड करेगी कोई भी बॉडी है वो अपने टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हीट प्रोवाइड जब करेगी तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सी इसमें एनर्जी है हीट एनर्जी है बर्निंग ऑफ फ्यूल में भी हीट एनर्जी ही यूज़ होती है जब आपके पास फ्यूल चलता है उस केस में भी हीट प्रोवाइड होती है और हम बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग ले रहे होते हैं उससे इसी तरीके से हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होती है आपको मैंने इस तरीके से एक एग्जांपल एक दफ़ा बताई थी कि जब आप दो चीज़ों को रब कर रहे हैं लाइक अपनी पाल्म को ही ले लें जब आप उसको रब करेंगे तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होगी हीट प्रोड्यूस होगी आप सम टाइम के बाद देखेंगे कि आपकी जो पाल्म्स हैं वो गर्म हो जाएंगे आप उसको जब रब करेंगे उसके बाद उसमें भी क्या हो रही है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसमें क्या हीट प्रोड्यूस हो रही है द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ सन सन से आपको जो हीट मिल रही होती है वो भी हीट एनर्जी ही आप उसको कहते हैं कि वो भी आपके पास हीट एनर्जी होती है तो ये थी आपके पास हीट एनर्जी के सोर्सेज एंड यूजेस नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड ईजीली टू एनी अदर इसमें आपके पास जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं बैटरीज हैं बैटरी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी लाइक अब आप यूपीएस यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर बैटरी नहीं होगी तो आप यूपीएस को यूज़ कर सकते हैं यूपीएस से लाइट आएगी आपको इलेक्ट्रिसिटी आएगी नहीं आएगी क्यों क्योंकि उसमें बैटरी ही नहीं है जो कि एक मेन सोर्स है सेकेंड है इसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आपके पास क्या होता है जनरेटर में अगर आप ऐसी वो उसमें जो लगी होती है डिवाइसेस अगर वो ना हो तो भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती है ठीक है तो ये आपके पास जो चीज़ें होती हैं बीच में कुछ इंपॉर्टेंट वो आपके पास मस्ट होनी चाहिए लाइक बैटरी हो गई इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स तो ही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी अदरवाइज़ नहीं होगी इसके यूजेस क्या हैं यूजेस हैं इसके कि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्स में यूज़ होती हैं हाइड्रो थर्मल प्लांट्स वगैरह में यूज़ होती हैं नेक्स्ट है साउंड एनर्जी When you knock at the door, you feel sound. इसमें भी आपके पास जब आप किसी के दरवाज़ा नॉक करते हैं तो आप क्या करते हैं साउंड फील करते हैं कि आपके कानों में कुछ साउंड आ रही होती है जहाँ पे भी वर्क डन होगा एनर्जी वहाँ पे मस्ट होगी ठीक है यहाँ पे भी एक वर्क डन हो रहा है ना कि आपने साउंड उसकी मतलब आपने किसी की डोर बेल रिंग की तो उसके आगे आपके पास साउंड प्रोड्यूस हुई वर्क डन हुआ इट्स मीन कि वहाँ पे भी आपके पास क्या होगा एनर्जी होगी होता क्या है कि बॉडी के पार्टिकल्स जब आप कोई भी चीज़ नॉक करते हो बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं ठीक है जब वो वाइब्रेट करते हैं देन उसके रिजल्ट में आपके पास साउंड प्रोड्यूस होती है इसके यूजेस हैं डायफ्राम ऑफ ड्रम ड्रम के जो ऊपर के जो आपके होते हैं अक्सर आप स्टिक्स देखते होते हैं ड्रम देखते हैं ड्रम के ऊपर की जो राउंड सर्कल होती है ना शेप में वो आप उसको कहते हो कि ये आपके पास डायफ्राम है नेक्स्ट है आपके पास लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इसमें आपके पास क्या है प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट्स फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है इसकी एग्जाम्पल्स में कैंडल्स इलेक्ट्रिक बल्ब फ्लोरोसेंट बल्ब एंड डिफरेंट आपके पास इसकी एग्जाम्पल्स में आ सकता है और जो इसकी सबसे बिग एग्जाम्पल है वो है सन जो सबसे ज़्यादा रोशनी आती है वो सन से ही आती है नेक्स्ट है आपके पास केमिकल एनर्जी ये वो एनर्जी होती है जो थ्रू केमिकल्स के हमारे पास आते हैं लाइक बर्निंग ऑफ वुड है कोयल ऑफ नेचुरल गैस है अब आपने क्या करना है अब आप ये चाहते हो कि आपने कोई चीज़ कुक करनी है
कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, आपको पहले नीचे उसको बर्न करना होगा, उसको आग जलानी होगी। आग कैसे चलेगी? जाहिर सी बात है, उसमें जो आपका जो प्रोसेस होगा वो आपका केमिकल एनर्जी होगी, ठीक है। डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू उसमें एक ऐसी गैस होती है जो डिफरेंट केमिकल्स उसमें होते हैं, ठीक है। जब वो केमिकल्स की वजह से आपके पास वो जब गैस बर्न होती है तो आप देखते हो कि वो फूड वगैरह आप कुछ भी कुक कर लेते हो, ठीक है। अगर गैस नहीं होगी तो आप कुछ भी कुक नहीं कर पाओगे। इसी के से आपके पास जो केमिकल्स के थ्रू, लाइक अब आपके पास सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है, उनको जब आप मिक्स करते हो तो क्या बनता है आपके पास? सोडियम क्लोराइड, मीन्स कि आप नमक यूज़ करते हो। सो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपके पास कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। द लास्ट वन इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के सबसे मेजर जो सोर्स है वो आपके पास है फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस। और ये फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस आपके पास कहाँ पे होते हैं? सन में होते हैं, ठीक है। फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन आपके पास वो रिएक्शंस होते हैं, फिजन आपके पास ये होता है कि आपके पास एक कोई बड़ा सा केमिकल है, आपने उसको बम्बार्ड करवाया एंड उसको आपने स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से फ्यूजन जो रिएक्शन होता है वो आपके पास जो होता है कि आपके पास छोटे छोटे पीसेस होते हैं, आपने उससे क्या किया, उसको जब आपने बम्बार्ड करवाया तो उससे आपके पास एक बहुत बड़ा न्यू केमिकल बन गया, ठीक है। ये आपके पास फिजन एंड फ्यूजन, आप इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ न्यूक्लियर रेडिएशंस। न्यूक्लियर रेडिएशंस आपके पास सन से आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या आती है, रेडिएशंस आती हैं, ठीक है। जब वो रेडिएशंस आती हैं तो आप वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा होता है फिनोमिना, आप वहाँ पे कह सकते हो कि ये आपके पास कौन सी एनर्जी है? न्यूक्लियर एनर्जी है, जो कि थ्रू रेडिएशंस के आपको मिल रही होती है। यहाँ तक आपका 6.4 टॉपिक क्लियर हो, सॉरी 6.5 टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज 6.6, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन मीन डैट, आप कन्वर्जन का मतलब कैसे लगते हैं? एक चीज़ को दूसरी चीज़ में जब चेंज देखते हैं तो आप कहते हैं कन्वर्जन हो गई है। उस चीज़ को वापस रिटर्न बैक अगर आप देखते हैं कि अगर एक चीज़ दूसरी में चेंज हुई है तो वापस रिटर्न वापस अपनी उस हालत में आ गई है, उसी जगह पर आ गई जहाँ से वो गई थी, उसको आप कहते हो कि इंटर कन्वर्जन, ठीक है। अब सबसे पहले इसके आप एग्ज़ाम्पल लेते हो रब पाम। पाम को अगर आप रब करते हो तो आपके पास क्या होती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसकी फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है। मेन थिंग इज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउ एवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म्स। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको पाम की क्यों दी गई है? वो इसलिए दी गई है कि आपने मैकेनिकल वर्क किया उसमें, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आपने उस पर लगाई तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आपने मैकेनिकल जब आपने उसको रब करना स्टार्ट किया, आपने कौन सी एनर्जी लगाई? मैकेनिकल लगाई। जब आफ्टर सम टाइम उस पर क्या हो गया, उसमें आपने देखा कि हीट प्रोड्यूस हो गया, वो गर्म हो गया, तो आपने वहाँ पर कहा कि वो कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब वहाँ पर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है? हीट एनर्जी। सेकेंड जो आपके पास एग्जाम्पल है वो है रेन की, जो आपके बुक में एक फॉर्म बनी हुई है, एक डायग्राम बनी हुई है, फिगर 5.6.14। उसमें अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले क्या हो रहा है? इंटर कन्वर्जन प्रोसेस हो रहा है। रेन प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू इंटर कन्वर्जन प्रोसेस। सबसे पहले आपके पास नीचे क्या है? ओशन है। ओशन मीन्स नीचे क्या है आपके पास? वाटर है, ठीक है। एंड सम हाइट पे आपके पास सन है। सन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? रेडिएशन आ रही है, मीन्स कि हीट एंड लाइट एनर्जी सन से आ रही है, ठीक है। जब हीट एंड लाइट एनर्जी सन से आ रही है तो आपके पास जो ओशन है, जो वाटर है, उसमें हीट एंड लाइट एनर्जी पड़ी, उसकी रेडिएशंस पड़ी, तो उसमें क्या हो गया? थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। थर्मल एनर्जी क्या होती है कि आपके पास जो पानी था वो क्या होना शुरू हो गया? गर्म होना शुरू हो गया, ठीक है। थर्मल मीन्स आपके पास जो उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी ड्यू टू सन, सन की वजह से, उसमें आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ? थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। जब आपके पास थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, वो अब जाना शुरू हो गए, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए। जब वो ऊपर की तरफ गए तो वहाँ पे एक ऐसा एक टाइम आ गया कि वो वहाँ पे कंडेंस हो गए, मींस कि वो एक ही जगह पे जमा हो गए। वो जब जमा हो गए तो वहाँ पे बादल बनना शुरू हो गए, ठीक है। जब बादल बने तो वहाँ पे क्या हुआ? कोल्ड हो गया, मीन्स कि ठंड हो गई। तो आपको ये बात बताई गई है कि ठंडी जो भी चीज़ होती है वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए वो वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? जो बादल से आपके पास जो था, जो कंडेंस मॉलिक्यूल्स थे, जो फॉर्म बना ली गई थी वहाँ पे क्लाउड की, उससे अब आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होना शुरू हो गए? वेपर्स नीचे आना शुरू हो गए। जब वो नीचे आना शुरू हो गए तो वो जो फॉर्म नीचे आना, वो किस फॉर्म में आए? वाटर के फॉर्म में है, जिसको आप कहते हो रेन, ठीक है।
ये प्रोसेस आपके पास था कि आपके पास रेन कैसे बनी, और इस सम की जो पूरे पे जो आपके पास जो एनर्जी लगी वो एक ही थी, काइनेटिक एनर्जी लगी। क्यों लगी? वो ओशन में जो वाटर था वो आपके पास मूव कर रहा था, ठीक है, ड्यू टू मोशन की वजह से आपके पास जो ओशन में था उसमें काइनेटिक एनर्जी थी। एंड जब वो वेपर्स थर्मल एनर्जी की वजह से ऊपर गए तो वो एक हाइट पे गए ना, एक हाइट से ऊपर गए और एक हाइट से ही नीचे आए, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। और ओवरऑल जो इस पूरे पे जो प्रोसेस पे जो एनर्जी लगी वो कांस्टेंट है, मींस के आपके पास जितने आप सन में जितनी रेडिएशंस नीचे आई थी ना, मींस अगर 10% नीचे हैं रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, हीट एनर्जी पड़ रही है नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे, उतनी ही एनर्जी पे जो है उतनी ही एनर्जी से वो ऊपर की तरफ जाएंगे, मींस के वो वेपर्स बन के जाएंगे, और उतनी ही एनर्जी से वो रेन की सूरत में नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। कहीं पे ये नहीं हो रहा कि सन में से ज़्यादा निकल रही हैं रेडिएशंस और नीचे कम पड़ रही हैं, वाटर में कम पड़ रही हैं, वाटर से ऊपर की जो तरफ वेपर्स जा रहे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं और रेन से जो नीचे आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, ऐसा प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका रेन का प्रोसेस, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट हुई, पहले काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, एंड डिफरेंट एनर्जीज में। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी डायरी यही है कि आपने यहाँ तक इसको फुल रीड करना है एंड याद भी करना है, एंड एटलीस्ट वन टाइम इसका एचए भी करना है अपने एचए रजिस्टर पर। नाउ लेट्स आवर लेक्चर एंड विद दुआ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।